नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। माँ काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नम आंखों से श्रद्धालुओं ने दी माँ को विदाई। बांका पुलिस ने बैंक लूट की घटना को किया नाकाम। बैंक लूटने पहुंचे 6 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार। मेला देखकर घर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 4 युवक की हुई मौत। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरुवार से शुरू होगा सूर्योपासना का महापर्व छठ। और तालाब में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। गांव में मचा कोहराम। और अब खबरें विस्तार से। मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा मंगलवार की रात से शुरू हुई, जो बुधवार की देर रात्रि तक विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। विसर्जन यात्रा का नेतृत्व पर्वती की मां बुढ़िया काली कर रही थी। पर्वती पूजा समिति की ओर से रथ एवं घोड़े के साथ भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। रथ पर समिति के संरक्षक कामेश्वर यादव सवार थे। इस दौरान माँ काली के जय घोष से विसर्जन मार्ग गुंजायमान रहा। वहीं स्टेशन चौक पहुँचने के बाद माँ की प्रतिमाओं की आरती उतारी गई। विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल युवाओं ने पारंपरिक हथियारों के साथ कर्तव्य दिखाया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती, सिटी SP सुशांत कुमार सरोज, SDO आशीष नारायण, सिटी DSP राजफल सिंह, पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्य विधि व्यवस्था को लेकर तत्पर दिखे, जिसके बाद धीरे धीरे प्रतिमा कतारबद्ध होकर मायागंज स्थित विसर्जन घाट के लिए आगे बढ़ती गई। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग पर अर्धसैनिक बलों के साथ जिला पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग खुद SSP आशीष भारती कर रहे थे। बांका पुलिस ने बैंक लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। लूट में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने हथियार और मोटरसाइकिल के साथ बैंक परिसर से दबोच लिया। बांका SP अरविंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। SP ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेलहर के बसमत्ता स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में अपराधियों द्वारा बैंक लूटने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला पुलिस एवं STF के जवानों ने बैंक की घेराबंदी कर दी। बुधवार को जैसे ही अपराधी लूट की घटना को अंजाम पहुंचे, उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने 6 अपराधियों को दबोच लिया। SP ने कहा कि लूट की घटना का मास्टरमाइंड मोहम्मद सादिक है, जो छत्तीसगढ़ में कैश लूट की घटना का वांटेड है। वहीं 4 आरोपी बांका जिला का है, जबकि 1 अपराधी मुंगेर और 1 अपराधी भागलपुर का है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की मोटरसाइकिल, खाली बैग एवं हथियार बरामद किया गया है। SP ने कहा कि पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये 2 दिन से लगातार चल रहा था। हम लोगों ने अपनी प्लानिंग की, योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने बैंक की घेराबंदी की। मैं इसी क्रम में जैसे ही अपराधी बैंक में प्रवेश करने वाले थे, कुछ प्रवेश किए थे, उसकी जो हमारे फोर्स वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और STF के जवान थे, इंस्पेक्टर बेलहर थे, इन लोगों ने दबोच लिया सभी अपराधियों को। उनके पास से जो 1 मोहम्मद सादिक जो इसका मेन गैंग लीडर है, उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ। 2 अन्य अपराधियों के पास से 1 कट्टा बरामद हुआ। 1 अपराधी के पास से गोली मिला, भाग दौड़ में काफ़ी झाड़ी जंगल जा रहा है, वहाँ फेंक दिया, लेकिन गोली उसके पास से बरामद हुआ है। नौगछिया के भवानीपुर से मेला देखकर घर लौट रहे 4 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर गांव में कोहराम मच गया है। मृतकों की पहचान भवानीपुर निवासी 18 वर्षीय गुड्डू कुमार, 22 वर्षीय प्रीतम कुमार, 26 वर्षीय मिथुन कुमार और धीरज कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह 4 युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मेला देखने गया था। मेला देखकर वापस लौटने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगरा पुलिस सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत गुरुवार से नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। इसको लेकर बुधवार को भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गंगा स्नान करने निजी वाहनों से पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण विक्रमशिला पुल जाम हो गया। इस दौरान पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जाम से निपटने के लिए विक्रमशिला पुल पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन जाम हटाने में पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी।
वहीं छठ पर्व को लेकर बांका के मंदार स्थित पाफरनी में गुरुवार को गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पाफरनी में स्नान कर पूजा अर्चना की और जल लेकर पूजा स्थल की ओर रवाना हुए। हम आपको बता दें कि गुरुवार से चार दिवसीय सूर्योपासना का महापर्व छठ का शुभारम्भ होगा। भागलपुर में पोखर में स्नान करने के दौरान तीन मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि गौराडीह प्रखंड के सोनू डी सतझोड़ी पंचायत स्थित पुरनिया पोखर में बुधवार की दोपहर काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान तीन बच्चे स्नान कर रहे थे। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद बच्चों को डूबता देख मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने तीनों को पोखर से बाहर निकाला और इलाज के लिए जगदीशपुर अस्पताल ले गए, जहां तीनों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान कुंड थाना क्षेत्र के ललसिया निवासी सूरज मंडल के 10 वर्षीय पुत्र देवानंद कुमार, पोलो मंडल के 12 वर्षीय पुत्र गुलशन कुमार और सोनू डी के रंजीत विंद के 10 वर्षीय पुत्र अतुल विंद के रूप में हुई है। मृतक देवानंद और गुलशन पूजा को लेकर अपने नानी घर आया हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गौराडीह थाना अध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा को लेकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी एवं बेंगलोर से हजारों की संख्या में यात्री ट्रेन से यात्रा कर बिहार आते हैं, लेकिन जहर खुरानी और नशा खुरानी गिरोह के लोग इन यात्रियों को अपना शिकार बनाकर लूट लेते हैं। नशा खुरानी गिरोह से आम यात्रियों को बचाने के लिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ पूरे देश में जहर खुरानी के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। संस्था की ओर से दिल्ली, पटना एवं कोलकाता रेलवे स्टेशन परिसर में स्टॉल लगाकर लोगों को यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने एवं उसके द्वारा दिए गए खाने पीने के सामान नहीं लेने की अपील कर रही है। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि यात्रियों की सहायता के लिए RPF एवं GRP की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर फोन कर यात्री सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल के निर्देश के बाद गुरुवार को पंजवारा स्थित चीर नदी में छठ घाट निर्माण का कार्य शुरू हो गया। फोकलेन मशीन के द्वारा घाटों की साफ सफाई की जा रही है। वहीं नदी के समीप श्री का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे वर्तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। घाट का निर्माण कार्य जदयू नेता निखिल बहादुर सिंह, रासमोहन ठाकुर, ललित किशोर सिंह, भोला पासवान, सुनील सिंह की देखरेख में चल रहा है। कृषि जागरूकता महाभियान को लेकर बुधवार को जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण की ओर से किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख रहमत उद्दीन, वीडियो चंद्रभूषण गुप्ता एवं गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। साथ ही किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं किसानों के बीच अनुदानित दर पर बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर किसान सलाहकार रंजन कुमार, संजीव कुमार सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे।
भागलपुर के साकुंड थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में मंगलवार की देर शाम ससुराल पहुंचे युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने सड़क किनारे अचेत अवस्था में देख युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कल रामपुर मुंगेर निवासी छोटू कुमार मंगलवार की शाम ससुराल पहुंचा और पत्नी को तुरंत तैयार होकर साथ चलने की बात कही, लेकिन पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची साकुंड पुलिस ने सबको कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। नेहरू युवा केंद्र भागलपुर की ओर से कहलगांव के अंतीचक में बुधवार को शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वराज संस्था द्वारा भ्रष्टाचार मिटाओ नए भारत का निर्माण को लेकर युवाओं को संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा कोर संतोष कुमार ने की। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए संतोष ने कहा कि पूरे समाज से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए युवाओं को शपथ दिलाया गया है। इस मौके पर अंकित, अश्वनी, ऋषि, शिवम, आशीष सहित कई युवा मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। मां काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, नम आंखों से श्रद्धालुओं ने दी मां को विदाई। बांका पुलिस ने बैंक लूट की घटना को किया नाकाम, बैंक लूटने पहुंचे 6 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार। मेला देखकर घर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 4 युवक की हुई मौत। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरुवार से शुरू होगा सूर्योपासना का महापर्व छठ। और तालाब में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।